आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने नए साल के मौके पर गुज़िश्ता शब शहर हैदराबाद के तेलुगुतल्ली फ्लाईओवर चौराहे के करीब केक काटा और हैदराबाद के आवाम को साल नौ की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें दो साल से मुश्किल सूरत हाल से गुजरना पड़ा। कोविड वबा की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, कई घरों में कोरोना से अमवात हुई, बच्चे स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं जा सके, जहनी तौर पर भी काफ़ी नुकसान हुआ। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले साल में तमाम सेहतमंद रहें और इस वबा का खात्मा हो जाए और मामूल के हालात शहर में बहाल हो जाएं। हैदराबाद सिटी पुलिस ने आने वाले साल में मजीद खिदमात के लिए तैयार है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अमन के क़याम, जराइम की रोकथाम, ट्रैफिक मैनेजमेंट, मनुष्यात के कंट्रोल में आवाम का तआवुन ज़रूरी है। उन्होंने क़ब्ले अज़ीम साल नौ की मुबारकबाद देते हुए वीडियो पैगाम जारी किया। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से मैं हैदराबाद शहर के आवाम और सभी को नया साल मुबारक बोल रहा हूँ। हम सबको पता है ये दो साल से काफ़ी हमको कठिन परिस्थितियों में से गुजरना पड़ा है और ये कोविड की महामारी की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी घरों में लोगों का की मृत्यु हो गई, बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा सके, मानसिक तौर पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाले साल में, मैं भगवान से दुआ भी करता हूँ कि सबको अच्छा स्वास्थ्य दे और ये हम सब ये महामारी से दूर हो जाए और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जो है हमारे शहर में आ जाए। हैदराबाद सिटी पुलिस आने वाले साल में और भी सेवा करने के लिए तैयार है। शांति और अमन कायम रखने में और क्राइम कंट्रोल में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में, ड्रग्स कंट्रोल में, हर चीज़ में आपका साथ देगा और मैं भी पब्लिक का साथ मांग रहा हूँ कि हम और अच्छी तरीके से आप सबकी सेवा कर सकें। सिटी पुलिस की तरफ से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और आने वाले साल में आपका कोऑपरेशन भी मांगता हूँ। जय हिंद, थैंक यू।